प्रशासन ने पूरी तरह से जिले की व्यवस्था की चाक चौबंद तथा आगामी पर्व को शांतिपूर्वक रखते हुए घर पर मनाने की अपील की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 31 जुलाई 2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय सुल्तानपुर द्वारा आगामी त्योहारों कोविड-19 के संक्रमण बचाव के तथा 5 अगस्त को अयोध्या भूमि पूजन कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद में पैदल गश्त कर हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन का भ्रमण किया गया। ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लाउड हेलर के माध्यम से आगामी त्योहार को आम जनमानस अपने घर पर ही रहकर मनाएंगे। सामूहिक रूप में मनाने की इजाजत नहीं है। जनपद में धारा 144 लागू है। जनता से लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। वह मास्क का प्रयोग करें तथा अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने हेतु अपील की गई। बताते चलें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभी धर्म गुरुओं से वार्ता कर उनको ब्रीफ किया गया तथा 5 अगस्त को अयोध्या भूमि पूजन कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद में लोगों को बताया गया कि वे आपसी सौहार्द बनाए रहें। गुरुओं की कुर्बानी यानी भैंस और पड़वा की कुर्बानी, उसको आप अपने हाथे के अंदर पर्दे के साथ करें, ताकि हमारे बिरादरान वतन को ज़र्रा बराबर भी उससे तकलीफ ना हो। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ न हो। कुर्बानी के बाद गोश्त ले जाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसको कायदे से पॉलीथिन के अंदर ढक लें और फिर दूसरे थैले में रख लें और इत्मीनान के साथ एक एक दो दो करके जाएं, भीड़ भाड़ न लगाएं। कुर्बानी जहाँ पे हो रही है वहाँ पे बिला मतलब भीड़ न लगाई जाए। ज़रूरत के तहत ही वहाँ पे एक दो लोग शरीक हो सकते हैं, बाकी लोग वहाँ पे भीड़ न लगाएं। नमाज के बाद आप हजरात की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो चाहे मस्जिदों में 5 लोग पढ़ रहे हो या घरों में तन्हा पढ़ रहे हो, उस मौके पर अल्लाह से ख़ास तौर से दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस कोरोना बीमारी से हमें महफूज फरमा दे, नजात अता फरमा दे, हमारे मुल्क को महफूज फरमा दे और पूरी दुनिया से जो कोरोना मर्ज को दूर फरमा दे। आप हजरात अपनी ज़िम्मेदारियों का लिहाज करें कि ऐसे मौके पर हमारी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि कोरोना का कहर है उससे भी बचना है और ऐसे मौके पर हमारे बिरादरान वतन के भी त्यौहार हैं, जहां बकरा ईद है वहीं पे इनका भी त्यौहार है, हम सबको उसका भी लिहाज करना है। नहायत ही सादगी के साथ त्यौहार को मनाएं और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात अपनी ज़िम्मेदारियों का भरपूर लिहाज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उनको लेकर विशेष सतर्कता सुल्तानपुर का पुलिस प्रशासन बरत रहा है। इसी के तहत एक और जो कोरोना का संक्रमण उसे रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट हैं उनमें पर्याप्त ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त आगामी त्योहारों के मद्देनज़र जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पर ड्यूटी लगा दी गई है। जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं उन सब से वार्ता हो गई है, उनको ब्रीफ कर दिया गया है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी उनकी बात थी वो भी सुन ली गई है और कंसर्निंग ऑफिसर्स को बता दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो आगामी त्यौहार है उसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कंटिन्यूम सोशल मीडिया से लेकर जितने भी पहलू हैं उन सब पर नज़र रखे हुए हैं। आगामी 5 तारीख को जो हमारे पड़ोसी जनपद अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम भी है, तो उसको लेकर भी पूरा जनपद सील कर दिया गया है। विशेष अयोध्या बॉर्डर पर हमने 10 अलग से बैरियर लगा दिए हैं। 24 आवर्स वहाँ पर हमारे सब इंस्पेक्टर निगरानी कर रहे हैं। एक CO साहब को वहाँ पे ज़िम्मेदारी दे दी गई है, रजिस्टर रखवा दिया गया कि कोई भी अगर अयोध्या की तरफ जा रहा है तो उसकी चेकिंग फ्रिस्किंग हो, उसका नाम पता फ़ोन नंबर नोट हो और अगर संदिग्ध लग रहा है तो तत्काल उसे रोका जाए, चेक किया जाए।